लाइव हाँ टाइम हो गया हो गया हो गया लेट ओपी लेट ओपी लेट ओपी लेट ओपी ओपी इन द चैट पहले चालू हुआ है क्या लेट मी चेक आई गेस हेलो हेलो सी एनीथिंग हेलोटींगलो हेलो मैं देख रहा हो गया मेरे को खुद को हाँ अभी दिख रहा है ओके अगेन विद अ फाइव टू सिक्स सेकेंड डिले बट बाकी बढ़िया है अल्ट्रा लो लेटेंसी पे चल रहा है वॉइस लो है माइक तो यहीं पे लगाया हुआ है यार इससे लो अगर आ रहा है तो आई डोंट नो हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन नमस्कार नमस्कार गुड आफ्टरनून फ्लैश कार्ड्स आर ओपी 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 एंड देखो भाई इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी की जहां बात आती है ना तो ये चैप्टर फ्लैश कार्ड से हो जाना चाहिए अगर ये फ्लैश कार्ड से नहीं हो रहा है मतलब फिर पता नहीं मेरे को इसको कैसे करोगे इसका सारा तरीका हमने हमने कर लिया हमने हर एक माइक्रोब का नाम पांच पांच बार लिखा वो भी मैंने बोला था करने के लिए फिर मैंने तुमको सारे माइक्रोब्स एक साथ कंपाइल करके भी दिए उसका पीडीएफ भी बना कर दिया है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए हैं तुमको फ्लैश कार्ड भी दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है मतलब तुम नहीं कर रहे हो फिर भी याद नहीं हो रहा है मतलब गड़बड़े ठीक है एंड जहां तक एग्जाम फलाना का चल रहा था कल uh, डाल दिया था। मैंने तो पहले ही बोला था, नहीं, होने वाली है, नहीं ही हुई है तो पढ़ना तो अपने को सब कुछ है एंड अभी एग्जैक्टली exactly अपने पास पंद्रह से सोलह दिन बचे हुए हैं सोलह सत्रह दिन ठीक है तो पढ़ना है भाई अब और कोई दूसरा उपाय नहीं है अपने पास ठीक है एंड आई एम ट्राइंग ट्राइंग माई बेस्ट जितना हो सके जल्दी फ्लैश कार्ड्स तुमको एक एक चैप्टर का बना के देते जाऊंगा एंड अपना बायोलॉजी तो करीब करीब पूरा हो गया है सिर्फ वो ई के चैप्टर्स बचे हुए हैं वो भी अपन कर लेंगे एंड देन विल गो टू साइंस वन ठीक है एंड पोस्टपोन भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा प्लस वर्ल्ड वॉर भी शायद पता नहीं टू समिग्री कुछ वॉर शुरू हो गया है स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश हो गई आज सुबह बहुत नुकसान हुआ लोगों का मेरा भी डोंट बी स्केयर जो भी है उधर वॉर हो रहा है उससे तुम्हारी एग्जाम को कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है तुम्हारी एग्जाम होगी बाहर कुछ भी हो तुम पढ़ते रहो अच्छा तो शुरू करते हैं चलो कहीं ना कहीं 800 800 900 नौ लोग आ गए तो विदाउट वेस्टिंग एनी एनी वन टाइम शुरू कर देते हैं एंड and... ठीक है वॉर स्टार्ट हो गई है आई नो साइंस वन का फ्लैश कार्ड मैंने मेटलर्जी का दिया है और भी बस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर जाता है लोगों को लेंसेज थोड़ा डिफिकल्ट जाता है एंड कार्बन कंपाउंड्स में तो देखा जाए तो चैप्टर बहुत ईजी है सिंपल है कर लेंगे अपन ठीक है वी विल ट्राई अवर बेस्ट शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जहां बात आती है तो प्रोबायोटिक्स है प्रोबायोटिक्स के पहले भी योगर्ट जो आता है योगर्ट प्रोडक्ट्स है चीज है और बटर है वो भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे ब्रेड कैसे बनता है वो देख लेंगे माइक्रोबियल एंजाइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल कोई ना कोई एक सवाल तो इसके ऊपर आता ही है माइक्रोबियल एंजाइम के ऊपर गिवरीजन आ सकता है शॉर्ट नोट आ सकता है कुछ ना कुछ तो आता ही है भाई फिर माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स जहां पर मीथेन की बात की है बायोगैस बनता है इथेनॉल बनता है हाइड्रोजन बनता है तो वो बातें हुई होंगी फिर बायोफ्यूल तीन टाइप का होता है सॉलिड होता है लिक्विड होता है एंड गेशियस होता है तो वो बातें करेंगे लैंडफिलिंग साइट्स के बारे में बात करनी है सीवेज मैनेजमेंट क्लीन टेक्नोलॉजी एंड इनोकुलेंट्स तो बेसिकली पूरा ही चैप्टर हो जाता है कहीं ना कहीं अपने को करना है अच्छे से एटलीस्ट माइक्रोब्स के नाम तो अपने को पता होनी चाहिए फ्लैश कार्ड के आंसर भी तो हैं पूनम पूछ रही है अलग से पीडीएफ क्यों दूं इसमें तो सब कुछ है ठीक है क्लियर नहीं दिख रहा 1080p पे डाल दो स्ट्रीम तो टेन ए पे कर रहा हूं तो तुम देख सकते हो उसको तो क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो पहला सवाल तुम्हारे सामने जस्ट लेट मी नो कमेंट में मेरे को बता दो कैमरा ब्लर है क्लियर है इज दिस क्लियर क्या तुम पढ़ पा रहे हो मेरी शकल जाने दो शक्ल दिखे ना दिखे फर्क नहीं पड़ता जो लिखा हुआ स्क्रीन पे है वो तुम्हें दिख रहा है क्या उतना बता दो मेरे को परफेक्ट है परफेक्ट है ब्लर है क्लियर है क्लियर है यस 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 सब क्लियर है क्लियर है क्लियर है जिसको जिसको ब्लर दिख रहा है टेन ए पे डालो तुम्हारा स्ट्रीमिंग जो है वो लो क्वालिटी पे हो रहा होगा थ्री फोर एटी होगा टेनएटीपी कर दो सब क्लियर दिखेगा दिखे, मैं मान के चलता हूं सब लोग बोल रहे हैं दिख रहा है विच बैक्टीरियल ट्रेन आर यूज फॉर योगे का थोड़ा सा फर्क होता है दही में और योगर्ट में लेकिन फॉर जनरल पर्पसेस मान लेते हैं कि योगर्ट दही है तो उनके अंदर कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं दो बैक्टीरिया हैं आंसर बता दो यार लैक्टोबैसिलस किसी ने तो बोल दिया एंड एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस डेलब्र्यूकी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड इनका प्रोपोर्शन कितना रहेगा 1:1 रेशियो बहुत ही सिंपल है ये ठीक है

उंड like एंड अगर किसी को एसिडल डिहाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता तो तुमको बता देते हैं इट विल बी सी एच थ्री सी एच ओ एसिडलहा हमने कार्बन कंपाउंड में पड़ा हुआ है ऑल्सो कॉल्ड एज एथेनल बराबर है एट्सनल डिहाइड लैक्टिक एसिड तो होता ही है एसिडल डिहाइड भी होता है ठीक है which properties of yogurt can be improved by pasteurization pasteurization क्या होता है मिल्क को फटाफट -फड़ बॉईल किया जाता है 15 20 सेकंड के लिए 100 डिग्री के ऊपर रखा जाता है एंड फिर उसको कूल cool करते हैं इस प्रोसेस से कौन सी दो प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो सकती है फ्लैश कार्ड किसी को भी डाउनलोड करना है तो लिंक है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक हां लोगों ने बोल दिया शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ मतलब उसकी एक्सपायरी डेट तो उसको ज्यादा टाइम तक तुम स्टोर कर सकते हो तुम्हारा जो सुपर मार्केट है जहां पर दही मिलता है वो ज्यादा टाइम तक वहां पर फ्रेश रहेगा खराब नहीं होगा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी एंड उसकी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज मतलब प्रोबायोटिक क्या होता है वो तुम्हारे अंदर के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है तुम्हारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है एंड तुम्हारा डाइजेशन में भी हेल्प करता है तो लेट्स इट हेल्प इन डाइजेशन तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है वो पाश्चराइजेशन से

वहां से तुम डाउनलोड कर लेना ठीक है आर द टू टाइप्स ऑफ बटर टाइप के बटर होते हैं बहुत कम लोग नहीं है नाइन हंड्रेड लोग बटर है, है, okay? होता है सॉरी कल्चर्ड बटर होता है स्वीट क्रीम इज नॉट फर्मेंटेड एक मिनट स्वीट क्रीम बटर जो होता है ना इट इज नॉट फर्मेंटेड एंड कल्चरड बटर होता है इट इज फर्मेंटेड ठीक है दो टाइप के बटर होते हैं स्वीट क्रीम एंड कल्चरड अगला सवाल विच माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर चीज प्रोडक्शन अब यहां पर कितने माइक्रोब्स हैं देयर आर 3 माइक्रोब्स मेरे ना आजकल स्पेलिंग सारे खराब हो गए कितने माइक्रोब्स हैं 3 माइक्रोब्स हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस करेक्ट चलो आते जाओ बताते जाओ एक होता है नंबर वन लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दूसरा होता है क्रेमोरिस नंबर टू एंड नंबर थ्री होगा लैक्टो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये वाला योगर्ट में भी है ये तुमको योगर्ट में भी मिलेगा और चीज में भी मिलेगा लैक्टिस क्रेमोरिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ऐसे जितनी बार तुम रिवाइज करोगे ना रिपीट 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 करते जाओगे ना तब 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 याद होगा नहीं तो याद नहीं होगा रिवाइज करते रहना है उसको बोलते रहना है अभी इमीजिएटली पूछू क्या था, लाक, था बटर हमने पढ़ा स्वीट क्रीम कल्चर्ड चीज के अंदर तीन टाइप के बैक्टेरिया है ऐसे रिवाइज करते रहना फटाफट फटाफट हनुमान चालीसा के जैसा आना चाहिए तो ही याद होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है विच फॉर चीज प्रोडक्शन पुराने जमाने में चीज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता था एंड वेयर वॉज फ्रॉम रेनेट 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 एंड रेनेट वॉज ऑप्टेन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल एलिमेंट्री कैनाल मतलब उसकी जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है डाइजेस्टिव कैविटी वहां से उसको एक्सट्रैक्ट uh, किया जाता था And that is why, जो चीज़ बनता था उसको नॉनवेज चीज माना जाता था बहुत सारे लोग नहीं खाते थे ठीक है ये बात हो गई की चीज़ था which enzyme is used to produce vegetarian cheese? तो आज के जमाने में vegetarian cheese भी बनता बनता है 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 वो कौन से enzyme से बनता है? ठीक है? आज के टाइम पे वेजिटेरियन चीज बनता है प्रोटीज एंजाइम प्रोटीज विच इज ऑप्टेन फ्रॉम बराबर है आफ्टर द वे इज सेपरेटेड वे क्या होता है जब चीज बनता है तो मान लेते हैं कि योगर्ट बन गया पूरा वो कोएगुलेशन हो गया उसके बाद जो ऊपर का पानी होता है ना उसको सेपरेट करते हैं उस पानी को जो सेपरेटेड लिक्विड होता है ऊपर जिसके अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं उसको सेपरेट करने के बाद व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ चीज प्रोडक्शन हाँ दही के ऊपर का पानी दैट इज वे उसके आगे क्या किया जाएगा उसके आगे कटिंग द सॉलिड योगर्ट योगर्ट पीसेस जो कोएगुलेटेड है उसको कट करेंगे उसको धोएंगे उसको पीटेंगे रब Rub, रबिंग मतलब क्या उसको मारेंगे फिर उसमें फ्लेवर ऐड किया जाएगा सॉल्ट ऐड किया जाएगा माइक्रोब्स ऐड किए जाएंगे और जस्ट टू मेक इट प्रोबायोटिक पिगमेंट्स मतलब क्या कलर्स ऐड करे जाएंगे एंड फ्लेवर्स डालेंगे एंड स्टोरेज फॉर राइपनिंग एंड जितना ज्यादा उसको हम राइपन करेंगे जितने टाइम तक उसको स्टोर करेंगे उतना वो कडक होते जाएगा और उसका फ्लेवर उसका टेस्ट एनहांस होगा एंड उतना ही महंगा बिकेगा वो ठीक है सबसे कड़क चीज आता है वो पारमेसान चीज होता है सारी सारी बातें हमने लेक्चर्स में तो की है जो लेक्चर अपलोडेड है एनिमेटेड उसमें सब कुछ दिया है ये तो सिर्फ एक रिविजन है तुम्हारा है? चलो विच बैक्टीरिया आर यूज इन प्रोबायोटिक यहां पर भी तीन टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं प्रोबायोटिक में फटाफट फड़ नाम बता दो तीन टाइप के बैक्टीरिया प्रोबायोटिक में भी यूज होंगे वॉट आर द नेम्स चलो फास्ट एसिडोफिलस केसी एंड 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 बिफिडो बैक्टेरियम बिफिडम किसी ने तो बोल दिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस केसी एंड बिफिडोबैक्टेरियम बिफिडम अच्छा अभी ना कंफ्यूजन हो सकता है एक होता है योगर्ट, एक होता है चीज और एक होता है तुम्हारा प्रोबायोटिक सब जगह पे लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस आ जाता है, तो बहुत कंफ्यूज प्रोबायोटिक कंफ्यूजिंग हो जाता है तो अपन ना जस्ट एक याद रखने के लिए बना देते हैं योगर्ट में क्या था डेल ब्रू की प्टो थर्मोफिलस बराबर है यहां पे क्या था लेक्टिस क्रेमोरस ट्रेप्टो कॉकस थर्मोफिलस एंड प्रोबायोटिक में क्या था एसिडोफिलस केसी एंड बीफीडो बैक्टेरियम बी बी फीडम तो अनलेस यू राइट अनलेस यू रिवाइज याद नहीं होगा ओके okay? चलो हाउ डू प्रोबायोटिक्स मेंटेन बैलेंस ऑफ इंटस्टेनल माइक्रो ऑर्गेजम्स प्रोबायोटिक्स तुम्हारे इंटेस्टाइन के जो माइक्रोब्स हैं उनका बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स को मार डालेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स जो है उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा कमोन एस और नो क्लिक किल द क्लोस्ट्रीडियम जो माइक्रोब है इट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग डाइजेशन जो गुड बैक्टीरिया होता है तुम्हारे इंटेस्टाइन में उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा एंड इट विल डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब क्या क्लोस्ट्रीडियम जो तुम्हें डायर डायरिया कॉज कर सकता है जुलाब कॉज कर सकता है जो, जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा ओके okay? फटाफट जाएंगे अगला सवाल वॉट आर द डिफरेंट प्रोबायोटिक प्रोडक्ट अवेलेबल बहुत सारे प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है ठीक है कौन से कौन से है? एक सूप होता है सावर क्राउट होता 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 है केफिर होता है है योगर्ट केफिर एक एक देख लेते हैं चलो योगर्ट केफिर सावर क्राउट डार्क चॉकलेट मिजो सूप इज सावर क्राउट इज जर्मन फिर इज मिडल ईस्टर्न मिडल यूरोपियन फिर पिकल्स तो आपको पता है जो कुकुंबर के पिकल्स होते हैं ऑयल्स कॉन सिरप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड माइक्रो एलगे माइक्रो एलगे मतलब जो ग्रीन कलर की एल्गे की पाउडर आती है उसमें ना क्लोरेला स्पीरू स्पीरूलिना एंड ब्लू ग्रीन एल्गे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्लू ग्रीन एल्गे तो इन सब का जो पाउडर होता है उसको भी एज अ प्रोबायोटिक यूज किया जाता है ठीक है साइंस हार्ड नहीं है जिसको जिसको लगता है साइंस हार्ड है इट इज नॉट हार्ड चीजें बहुत सारी याद रखनी है बट अगेन कीप रिवाइजिंग द फ्लैश कार्ड एक 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 करके देखते जाओ याद हो जाएगा ठीक है एंड एक आखिरी बात February ट्वेंटी सेवेंथ को रहेगा प्रोडी का एग्जाम प्रोडीजी में तुम्हारी मेंटल एबिलिटी तुम्हारी वर्बल एबिलिटी वर्बल एबिलिटी मतलब तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हारा मैथ्स एंड जनरल नॉलेज साइंस ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी एंड इट इज एन ऑल इंडिया लेवल इवेंट सबके साथ तुमको कंपीट करना ऑल इंडिया बहुत सारे बच्चे होंगे एंड यू कैन विन अ लॉर्ड ऑफ प्राइजेस दस करोड़ तक के प्राइजेस का पूरा पूल है जिसमें से आप कुछ भी जीत सकते हो अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ वन टू हंड्रेड के बीच में कहीं पर भी आता हो तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल सकते हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अगर एनरोल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मेरा कोड यूज कर लेना मोहमाया फ्री टेस्ट है दे दो एक घंटे की टेस्ट होगी 12 से 1 एंड यू विल गेट टू लर्न अलॉट लॉट अबाउट योरसेल्फ ठीक है पॉइंट पे आते हैं नहीं किया है अगर टेस्ट नहीं दिया तो दे देना काफी इंटरेस्टिंग है चलो व्हाई हैव प्रोबायोटिक्स डेवलप्ड मच इंपॉर्टेंस इन रीसेंट डेज प्रोबायोटिक्स इतने सारे आजकल इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं लोग उसको इतना खाते क्यों हैं ऐसा, ऐसा क्या है उसके अंदर ठीक है प्रोबायोटिक्स में ऐसा क्या है हाँ दे फॉर्म कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन एलिमेंट्री कनाल तुम्हारे इंटेस्टाइन में तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल माइक्रोब्स जो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी इट विल इंप्रूव योर रेजिस्टेंस मतलब तुम्हारी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होगी इट विल लोअर द इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स हार्मफुल सब्सटेंसिस फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अब तुम्हारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं तो डाइजेशन एक हो गया एंड बहुत सारे और रिएक्शन हैं इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं एंड उसके दौरान बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बॉडी के अंदर तो उनका जो इफेक्ट है उसको हमें रिड्यूस करना है तो प्रोबायोटिक हमें हेल्प करता है हार्मफुल सब्सटेंस को कम करने में

ओके, okay? डायरिया का ट्रीटमेंट हो गया वो सारी बातें ठीक है ठीके? चलो फिर विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्रेड का प्रोडक्शन थैंक यू पुशमैट फॉर द ट्वेंटी सुपरचार्ट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन चलो फटाफट बता दो ईस्ट ईस्ट जो होता है बेकर ईस्ट उसका नाम क्या है सैक्रोम से अब यहां पर ना थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसको भूल जाते मतलब नाम को प्रोनाउंस करने ही नहीं आता है लोगों को स्पेलिंग भूल जाते हैं तो इसको अपन ब्रेक करेंगे सैक सैक माइसिस पहला नाम हो गया सैक एरो माइसिस सैक एरो ब्रेक कर दिया एंड सेरी वीसीए सी एरो माइसिसरी सेरी वीसी ठीक है, ठीक इस तरह से अपन उसको ब्रेक कर देंगे ब्रेड बिकम स्पॉन्जी क्यों होता है क्यों होता है? मुझे बताओ फर्मेंटेशन जब होगा तो शुगर का ब्रेकडाउन होगा एंड उसमें से तुमको दो चीजें मिलेंगी, फर्मेंटेशन से दो चीजें मिलती हैं एक तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा मिलेगा एथेनॉल दैट इज योर दारू सो बाय फर्मेंटेशन शुगर इज कन्वर्टेड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड एथेनॉल डो राइजेस अप ड्यू टू CO2 एंड द ब्रेड बिकम्स स्पोंजी फूलेगा वो एथेनॉल का क्या होगा इट विल इवैपोरेट तो ब्रेड खाने से नशा होता नहीं है एथेनॉल जो होता है वो क्या हो जाएगा इवैपोरेट हो जाएगा ठीक है यहां तक सबको फील आया याद हुआ नशा करने के लिए ब्रेड खाओगे नहीं खाना है नहीं कुछ नहीं होगा उससे अगला सवाल वॉट टाइप ऑफ ईस्ट इज यूज इन कॉमर्शियल बेकरी जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री होती है बेकरी की वहां पर अलग टाइप का ईस्ट बनता है एंड वट टाइप इज यूज फॉर डोमेस्टिक यूज प्रोडीजी के लिए कोड अगर कोई पूछ रहा है तो मोहमाया विल बी द कोड यही लिख देते हैं मोह माया तो है, मतलब द कोड हुआ एक ब्लॉक एंड डोमेस्टिक घर पे अगर तुमको बनाना है तो ड्राई ग्रैन्युलर इसका क्या रहेगा पाउडर रहेगा पाउडर ईस्ट ये रहेगी ड्राई ग्रेन्यूलर एंड कॉम्प्रेस रहेगा ब्लॉक ओके वर्ड यूजफुल कंटेंट आर एडेड टू ईस्ट यूज फॉर कॉमर्शियल यूज जो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट होती है ना ब्लॉक ध्यान से सुनना कॉम्प्रेस्ड ईस्ट के अंदर क्या क्या ऐड किया जाता है कॉम्प्रेस्ड ईस्ट के अंदर कुछ एडिशनल चीजें होती है फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन हाँ करेक्ट 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 तो ये जो कॉम्प्रेस्ड Easter. ना स्पेलिंग को कुछ हो गया है हाँ उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वाइटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं तो जो ब्रेड के प्रोडक्ट्स होते हैं दे विल बी मोर क्या बोल सकते हैं न्यूट्रेटिव एंड हेल्दी वैसे तो कुछ हेल्दी नहीं होता है ब्रेड पाव खाने से तुम्हारा हेल्थ वेल्थ कुछ सुधरने नहीं वाला है लेकिन बोला है ये लोग ने कि ये सारी चीजें ऐड होती हैं ठीक है जेठा 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 कर रहे हैं सब लोग फिर से जेठा लाल मत बोलो यार बस हो गया पक गया हूं चलो फिर विच फंगस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस बनता है ओरिजिनली चाइना में बनाया हुआ था चाइनीज ओरिजिन उसको कोर्स इसलिए उसको चाइनीज फूड में यूज करते हैं तो जो सोया सॉस है वो कौन बनाता है बोलते जाओ बोलते जाओ एस्पर परस

सोयाबीन सोयाबीन तीन चीजें तो होंगी फर्मेंटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्लावर ऑफ व्हीट राइस एंड सोयाबीन कूल यहां तक बहुत सिंपल है सब चीजों को मिक्स करेंगे बड़ा सा एक टब होता है या फिर एक पूल होता है बड़ा सा कुआं होता है उसके अंदर उसको फर्मेंट करते हैं उसको पैक करके सालों एक साल तक रखते हैं डेढ़ साल तक रखते हैं एंड तब जाके वो थिक सोया सॉस बनता है ओके नाउ केमिकली विनेगर क्या है व्हाट इज विनेगर विनेगर क्या है इट इज नथिंग बट फोर परसेंट अरे बोलते जाओ बोलते जाओ चलो आंसर दो एसिडिक एसिड पेंडास्टिक इट इज फोर परसेंट एसिडिक एसिड को इसका अगर एक्सपांडेड फॉर्म हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है ये भी हमने पढ़ा हुआ है फोर परसेंट एसिटिक एसिड रहेगा दैट विल बी द केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर छतरी वॉट आर द डिफरेंट माइक्रोब यूज इन विनेगर प्रोडक्शन अब यहां पर भी तीन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं विनेगर में ना दो बार फर्मेंटेशन होता है पहले फर्मेंटेशन में शुगर जो होता है इट इज फर्मेंटेड टू फॉर्म एथेनॉल फिर सेकंड में एथेनॉल इज फर्मेंटेड टू फॉर्म एसेटिक एसिड बराबर है बोलते जाओ चलो ग्लूकैनोबैक्टर एसिटोबैक्टर तो एंड सेक्रोमैसिस सेरिवीसी तो ये जो पहला फर्मेंटेशन है उसमें कौन यूज होगा सैक हेरोमाइसिस सेरिवीसीए शुगर टू एथेनॉल एंड दूसरा जो है वो एथेनॉल टू एसिटिक एसिड रहेगा एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकोनोबैक्टर नंबर टू। ग्रेट सिंपल वैक्सीनेशन इज बेटर देन एंटीबायोटिक्स बिकॉज़ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर

पोटेशियम फेरोसाइनेट डालते हैं ब्लीचिंग करते हैं फिर उसके बाद उसका पाश्चराइजेशन होता है सल्फर हैं, वो सब नहीं आता no ये पूरा बड़ा आंसर है दे आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर पी एच एंड प्रेशर इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ने जो बड़ी बड़ी मशीन होती है ना वो उसके पार्टिकल्स

है ना साफ सफाई का खर्चा कम हो जाएगा एलिमिनेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इज अवॉइडेड बिकॉज़ अपने एंजाइम्स कैन बी दे कैन बी रियूज्ड उनको हम फिर से यूज कर सकते हैं तो उनको फेंकने की जरूरत नहीं है ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स तो तुमको आने चाहिए पेपर में और कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये तो पढ़ना ही है ठीक है चैप्टर हार्ड नहीं है चैप्टर में चीजें याद रखनी है बहुत सारी तो अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं होगा चलो गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स एंजाइम्स के नाम बताइए एंजाइम्स के नाम बताने कौन से कौन से एंजाइम्स आ जाओ ऑक्सीडोरिडक्टेज ट्रांसफर एजिस हाइड्रोलेजिस एंड लाइकेजिस मैं बहुत स्लो बोलता हूँ कि तुमको आदत हो गई है 1.5x पे पढ़ने की तो मेरी जो नॉर्मल स्पीड है वो तुमको स्लो लगती है ये सही है ना तुम बड़ा तेज बोलते हो रैपर हो ना सब लोग ठीक है ये सारे हो गए तुम्हारे आंसर्स ऑक्सीडोर रिडक्टेस ट्रांसफरेस हाइड्रोलेसेस लागेस, लाइगेज़ आइसोमेरेसेस लाइगेसेस कोई भी जो एंजाइम होता है ना उसमें हमेशा एज एज लगेगा एंड में तो पहचान सकते हो तुम कि ये एंजाइम है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ डर्ट रिमूवल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर जो तुम्हारा कपड़ा धोने का डिटर्जेंट है डिटर्जेंट के अंदर क्या डाला है हमने बहुत सारे एंजाइम्स डाल दिए तो कपड़ा धोने का काम लो टेम्परेचर पे भी हो सकता है ओके okay? बिकॉज देखो यहां पे हमने क्या बोला था दे आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर तो तुम कपड़े को लो टेम्परेचर पे धो सकते हो बिकॉज ऑफ एंजाइम्स सो बाय मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स विद डिटर्जेंट मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स विद डिटर्जेंट ओके हाउ इज जैंथन गम प्रोड्यूस्ड जैंथन गम इज अ थिकनिंग एजेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है कैसे बनता है किसके फर्मेंटेशन से बनता है फर्मेंटेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस चलो क्या है ठीक है तो उससे बनेगा तुम्हारा जानथनगम एंड अगला सवाल आता है जानथनगम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉट किस किस चीज के प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाएगा ठीक है जैन गम किस किस चीज के प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा बहुत सारी चीजें हैं पिगमेंट्स मतलब पेंट्स जो दीवार वगैरह पे मारते हैं ना उसके अंदर भी उसको थिक बनाने के लिए गाढ़ा बनाने के लिए पेंट में ऐड किया जा सकता है फर्टिलाइजर में बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है वीडी साइड को भी थिक बनाने के लिए या फिर एज एन एडिटिव उसको ऐड किया जाएगा टेक्सटाइल पिगमेंट्स कपड़े का कलर टूथपेस्ट एंड हाई क्वालिटी पेपर तो ये सारे हो गए इसके यूजेस आइसक्रीम में मिल्कशेक में चॉकलेट में उनके अंदर भी होता है एंड इनमें भी होता है इट इज एडिबल उसको तुम खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो विच माइक्रोब्स प्रोड्यूस एल ग्लूटामिक एसिड वॉट इज इट्स यूज चलो अब वो जो एक पैराग्राफ है ना ऑर्गेनिक एसिड का एक पैराग्राफ दिया है ऑर्गेनिक एसिड्स का एंड उसके माइक्रोब्स का वो अपने को भी करना है तो यहाँ पर दो अभी ना मैं मैं एक प्रेडिक्शन बोलता हूं मैं एक प्रेडिक्शन मारता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर लाइव है ना उन्होंने या फिर जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं दुनिया में मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के उन्होंने चैप्टर का जो पहला पार्ट है ना जहां पे चीज़ और योगर्ट की इसकी उसकी बात कर रहे हैं उतना ही किया है इस टेबल के आगे का जो पार्ट है ईवीएस का पार्ट जहां पर हम प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन की बात करेंगे रबर की बात करेंगे ऑयल स्पिल की बात होगी सल्फ्यूरिक एसिड इनोक्यूलेंट्स ये सब नहीं किया बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ जितने लोगों को मैंने पढ़ा है छोड़ देते हैं आगे का नहीं करते सिर्फ लेफ्ट साइड का करके आते हैं चलो तो यहां पर दो बैक्टीरिया होते हैं ब्रेवी बैक्टीरियम एंड कॉरिनी बैक्टीरियम टेक्सट बुक में दिया है कॉरिनो बैक्टीरियम विच इज रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक है आएगा एंड उनका यूज क्या है ये जो एल ग्लूटामिक एसिड है उससे क्या बनता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट विच इज नथिंग बट अजीनो मोटो जो चाइनीज फूड के अंदर यूज होगा ओके okay? अजीनोमोटो ये कैंसल्ड पार्ट नहीं है ये वाला पार्ट कैंसल्ड नहीं है जो बेवरेजेस का पार्ट है ना जहां पर साइडर की बात की है वाइन की बात की है फिर कोको कॉफी वो वाला जो टेबल है वो रिड्यूस ये वाला है ये पढ़ना है चलो विच माइक्रोब्स प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड वॉट इज इट्स यूज अब यहां पर एक, एक ही बैक ये है फंगस है ना फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइजर वो तुमको बना के देता है सिट्रिक एसिड एंड उसको खट्टा होता है ना सिट्रिक एसिड तो उसको ड्रिंक्स में 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 टॉफीज चॉकलेट्स फ्लेवर देने के लिए यूज किया जा सकता है सिट्रस फ्रूट का जो फ्लेवर होता है इंपार्ट एसिडिटी हाँ खट्टा बनाने के लिए यूज किया जा सकता है ओके देन विच माइक्रोब्स प्रोड्यूस माइक्रोब्स नहीं आएगा एक ही है माइक्रो प्रोड्यूस ग्लूकॉनिक एसिड वॉट इज इट्स यूज ग्लूकोनिक एसिड में भी सेम ग्लूकोनिक एसिड में भी सेम एस पर गलूकोनिक एसिड बनाकर दे रहा है प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयन तो एक्चुअली क्या होता है ना ग्लूकोनिक ग्लूकॉनिक एसिड से वो लोग कैल्शियम ग्लू बनाते हैं एंड आयन का बनाते हैं आयन ग्लू को नेट इन दोनों को यूज किया जाता है एज सप्लीमेंट्स जिनके अंदर कैल्शियम का कमी है जिनके अंदर आयन का कमी है वो लोग इसको खा सकते हैं सप्लीमेंट बन जाएगा ठीक है प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड वॉट एज इट लैक्टिक एसिड में क्या रहेगा एक तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टेक्सबुक में दिया है लेकिन इसका कोई मुझे रेफरेंस मिला नहीं बिकॉज लैक्टिक एसिड में नाइट्रोजन नहीं होता लेकिन उसको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे यूज करेंगे इसका मुझे कहीं पर आंसर मिला नहीं बट टेक्स्ट बुक में दिया है तो अपन पढ़ लेंगे इज़ ओके एंड प्रोडक्शन ऑफ ये दो And, uh, actually, दो चीजें एंड एक्चुअली अभी दिन आई आउट ऑफ़ टाउन आज जा रहा हूं कल परसों संडे तीन दिन बाहर हूं अब अगला जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन मंडे ठीक है अच्छा जितने लोग टाइम पास कर रहे हैं एक ही बात याद रखना पंद्रह दिन में तुम्हारी एग्जाम है एंड ये जो भी हम एक घंटे में चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज फॉर योर बेनिफिट तो जिसको टाइम पास करना है भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता चलो फिर विच प्रोड्यूस लास्ट वाला आइटिक एसिड इसका भी बहुत सिंपल है आंसर एस्परजिलियस आइटाकोनिक एसिड बना के देगा आइटाकोनिक एसिड ना थोड़ा सा थिक होता है गाढ़ा होता है तो उसको पेपर बनाने के लिए हाई क्वालिटी पेपर थिक पेपर टेक्सटाइल कपड़े बनाने के लिए प्लास्टिक गम इन सारी चीजों में यूज किया जाएगा ओके, okay? आई तक का कार्यक्रम सबको समझ में आ रहा है एंड मेरे को थोड़ी पैकिंग वैकिंग भी करनी है तो अपन पूरा चैप्टर तो शायद अभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे विल एंड द स्ट्रीम इन द नेक्स्टीन तक अपन वाइंड अप करेंगे एंड कोई तो बोल रहा है वर्षा मैम इज नो मोर विच इज अगेन स्पैम प्लीज ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दें ठीक है हाउ आर वेरियस डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स कंट्रोल्ड इसका बहुत सिंपल सा एक सरल आंसर है एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स होते हैं ठीक है एंड जितने भी लोग हैं जिसको अगर कोई बोल रहा है कि सर कुछ भी नहीं आ रहा है पूरे चैप्टर में से एक भी फ्लैश कार्ड का आंसर नहीं आ रहा है तो बस भगवान तुम्हें बचा सकता है अब मैं तो तुमको सारा माल बना के, बना के के प्रोडक्ट रेडी करके दिया है रिविजन करना पढ़ने का काम तुम्हारा है ठीक है सो द एंटीबायोटिक्स ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई इनको यूज किया जाएगा टू कंट्रोल द डिजीजेस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑफ कोर्स ठीक है नेम ऑफ यू एंटीबायोटिक्स अगेन सिर्फ नाम बताने अपने को एंटीबायोटिक्स के 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 फटाफट नाम बताते जाओ बहुत सिंपल है पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन मोनोबैक्टम एसेट्रिसिन सारे नाम तुमको याद नहीं रखने हैं इसमें से सिर्फ कोई भी चार नाम याद रखो एनी फोर एंटीबायोटिक्स इज मोर देन सफिशिएंट नेम द फॉलोइंग में आएगा ठीक है चार नाम एरिथ्रोमाइसिन सेप्टोमाइसिन यहां पे तुम किसी ने तो एक जेंट्स ऐसा भी एक नेमोनिक दिया था जेंटा माइसिन होता है एरिथ्रो माइसिन होता है नियोमाइसिन होता है टेट्रा साइक्लिन एक हो गया एंड ट्रेप्टो माइसिन एक हो गया तो ये याद रख सकते हैं अपन वन टू थ्री फोर फाइव जेंट्स तो काफी इजी हो जाएगा याद रखना वैंकोमाइसिन भी हो गया चल विच एंटीबायोटिक इज यूजफुल यूजफुल अगेंस्ट टीबी टीबी का सामना करने के लिए एक ही वैक्सीन का नाम दिया हुआ है टीबी का सामना रिफामाइसिन से होने वाला है बायोफ्यूल वाला पार्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दो मिनट में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है चलो हाउ इज मीथेन ऑप्टेन अब मीथेन बायोगैस में मिलने वाला है तुमको तो बायोगैस कैसे बनती है बाय डिकम्पोजिशन बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होता है एनेरोबिक डिकम्पोजिशन होता है बाय माइक्रोबियल एनेरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट तो जितना भी सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको यूज करेंगे उसका हम डिकम्पोजिशन करेंगे ठीक है हाउ इज एथेनॉल ऑप्टेड अगेन एथेनॉल तुमको मिलेगा फर्मेंटेशन से और वो फर्मेंटेशन कौन करता है ईस्ट नथिंग बट तुम्हारा है करेक्ट है सो फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस मोलासिस में क्या रहेगा शुगर रहेगा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस पूरा नाम लिख देंगे इसका यहां पे चाहिए तो ए, है। ठीक है भाई व्हाट इज मेंट बाय बायोमास बायोमास क्या होता है एवरीथिंग विच इज विच इज बायोडिग्रेडेबल वो बायोमास है मतलब मेरे अंदर जितनी भी चीजें वो सब क्या बायोमास है डिग्रेडेबल चीजें बायोडिग्रेडेबल हाउ इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस आखिरी सवाल बायो फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर किसी ने तो बोल दिया बायो फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर इसको मैं तोड़ के बता देता हूं बायो मतलब लिविंग फोटो मतलब लाइट लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन तो वॉटर जो होता है ना एच टू ओ उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे बायो बैक्टीरिया बैक्टीरिया लिविंग है ना तो बैक्टीरिया वाटर का ब्रेकडाउन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रेक डाउन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वॉट सनलाइट इसको बोलते हैं बायो फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर एंड इसमें से तुमको क्या मिलेगा इसमें से यू विल गेट एच टू प्लस ओ टू तो यह हाइड्रोजन गैस तुम्हारा बन गया ठीक है एंड जहां बात आती है फोटो रिडक्शन की वॉट इज रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो मान लेते हैं एच टू ओ में से मैंने ओ निकाल दिया इसका मैंने क्या किया रिमूवल किया तो इसको मैं रिडक्शन बोल सकता हूं ना फोटो रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वेरी सिंपल ठीक है भाई हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर बुलाया बिकॉज अभी उतना अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है इट इज uh, उसको बनाना कॉस्टली है एंड इट इज नॉट सेफ काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए एक्सप्लोजन हुए हैं uh, फ्यूल तो आने वाले समय में आज से पांच से दस साल बाद हाइड्रोजन को यूज किया जा पाएगा फिलहाल यूज नहीं हो पा रहा है ठीक है चलो फिर ये ये लास्ट वाला अपन करते हैं यहाँ पे एंड इसके आगे मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगा ये पूरा पीपीटी दे दूंगा एंड आगे का फ्लैश कार्ड सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है बिकॉज मेरे को पैकिंग करना है पैकिंग बाकी है ठीक है ठीक चलो टाइप ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस इज शोन इन द फिगर ये क्या है पूरा ये बायोफ्यूल है यहाँ पे क्या हो रहा है बायोफ्यूल प्रोडक्शन बताया आर द डिफरेंट फॉर्म्स अच्छा बाय द वे ये जो डायग्राम है ना इसके ऊपर भी सवाल आते हैं मतलब डायग्राम छपा हुआ रहेगा उसके नीचे दो तीन सवाल दिए होंगे यहां पे क्या हो रहा है यहां से हमने पेड़ को काटा त्रीस को कट किया हार्वेस्ट किया हार्वेस्ट करने के बाद तुमको पता है ना कि मान लेते हैं वीट का मेरे पास क्रॉप है उसमें से सीड्स निकाल देंगे तो जो नीचे का ग्रास बचता है फाइबर्स बचते हैं उस सेपरेशन को बोलते हैं थ्रेशिंग सीड निकाल देंगे और नीचे का जो सिर्फ ग्रास बचा है उसको हम आगे यूज करने वाले हैं तो इस सेपरेशन को क्या बोलते हैं थ्रेशिंग तो ये जो घास बचा हुआ है ना उसके अंदर क्या रहेगा सेल्यूलोज रहेगा नथिंग बट बराबर सेल्यूलोज है उसको हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे सेल्यूलोज को हम ब्रेक करेंगे उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ठीक है ये क्या है तुम्हारी ये फैक्ट्री है फैक्ट्री में सेल्यूलोस को तोड़ के उसका बना देंगे ग्लूकोज सेल्यूल को तोड़ के क्या बन गया ग्लूकोज बन गया फिर ग्लूकोज का हम आगे जाके फर्मेंटेशन करके क्या बनाएंगे मान लेते हैं कि एथेनॉल फर्मेंटेशन से एंड फिर उस एथेनॉल को हम यूज करेंगे एज अ बायो फ्यूल प्लेन में गाड़ी में कार में एंड वो बायोफ्यूल को जब जलाएंगे तब क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करेंगे तो सीओ टू को यूज कर लेंगे तो ये पूरा जो साइकिल दिखाया हुआ है यहां से लेके घूम के वापस वहां तक दिस इज योर कार्बन साइकिल ठीक है तो डायग्राम में क्या दिख रहा है तुमको कार्बन साइकिल दिखा रहे हैं बायोफ्यूल का प्रोडक्शन भी दिखा दिया और कार्बन साइकिल भी दिखा दिया ठीक है भाई समझ में आ रही बात क्लियर हो रहा है चलो फिर व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बायोफ्यूल लास्ट क्वेश्चन आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बायोफ्यूल सॉलिड होता है जिसमें कोल आ गया इसको क्या बोलते हैं ग कैसे लिखते हैं रे गवरिया मैं ट्राई करता गलत लग रहा है मेरे को गवरिया हो गया वो ठीक है छोड़ जाने दो डंग तो समझते हो कावडंग उसके केक्स होते हैं डंग केक्स मराठी में गवरिया बोलते हैं लेकिन मेरे को लिखने को नहीं आ रहा छोड़ो क्रॉप रेसिड्यू लिक्विड में आ गया अल्कोहल एल्कोहल एंड एंडगेशियस में आ गया गोबर गैस कोल गैस अभी सब लोग लिख के दिखाएंगे मेरे को गवरिया कैसे लिखते हैं छोड़ो नहीं होगा मेरे से नहीं होगा गवरिया मेरे से लिखा नहीं जाएगा बट दिस इज एवरीथिंग इसके आगे भी बहुत सारे हैं लैंडफिल साइट है फिर कंप्रेस्ड वेस्ट उसका पूरा लैंडफिल साइट का पूरा हमने लिया यहाँ पे, फिर सीवेज का बात किया है आगे तुमको सिर्फ दिखा देता हूँ फिर जेनोबायोटिक केमिकल्स के बारे में बात की है स्लच का बात किया है फिर लीचिंग है पूरा ये आगे का ई का पार्ट है ठीक है तो वी विल एंड द स्ट्रीम रिवाइज करना रिवाइज करना तो ही याद रहेगा अगला जो भी लेक्चर होगा तीन दिन बाद मतलब मंडे को ही होगा मैं तो जा रहा हूं अभी ठीक है तो भाई इतने चैप्टर जो मैंने दिए हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का भी बनाकर दे दूंगा आज रात आज रात को तो नहीं बनेगा कल ही बनेगा कल, कल बनाकर दे दूंगा तो तुम्हारे पास पूरा बायोलॉजी रेडी है छह चैप्टर बायोलॉजी के रेडी है तो उतने तो तुम फटाफट फटाफट रिवाइज करो एंड बाद में ये सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर भी डालने की कोशिश हो रही है उसको थोड़ा सा टाइम जाएगा बट वो भी आ जाएगा ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैं कहां जा रहा हूं कोई पूछ रहा है आई एम गोइंग दिल्ली ठीक है इसका ये जो पूरे फ्लैश कार्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जितने भी लोग हैं लिंक कहाँ मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लियो पांच मिनट में अपलोड कर दूंगा मैं डाउनलोड कर लेना और रिवाइज करो पढ़ो तो ही आएगा Okay, thank you so much for joining, guys. I will stop the stream now. Bye bye.